हेलो स्टूडेंट दिस इज अनीता शर्मा योर हिस्ट्री मेंटर वेलकम टू अड्डा 247 सीयूईटी तो कैसे आप सब लोग आई होप तो कि सभी लोग यहां पर अच्छे होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे शानदार होंगे स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्रेक बीट्स एंड बोन्स का वन शॉट राइट तो इस पूरे चैप्टर को हम एक ही सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं तो जल्दी-जल्दी से आ जाएंगे हेलो अ अंतिकल एंटरटेनमेंट लल्हा अच्छा अच्छा ठीक है वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हाँ जी तो ये चैप्टर जो है बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर को हमारी एनसीईआरटी में पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से बोला गया था रखा गया था इसको लेकिन अब इसका नाम चेंज करके और इसको बोल दिया है ब्रीक बीट्स एंड बोन्स राइट तो हम इससे सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई डिस्कवरिंग हुई और डिस्कवरी के बाद इसको कैसे इसके पीछे से जुड़ी जो भी चीजें हैं जो भी रिलेटेड इसके जो भी एविडेंस है राइट तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट किए गए सारी चीजें हम यहां पर पता करते हुए चलेंगे राइट तो लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले दो आपके, आपके लिए तो दो लाइनें क्या होगी अरे यार चल जाने दो छोड़ो जब हो जाए जब हो जाएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो लगातार उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं जो उसने सोचा हुआ है तो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी जो आपने सपना देखा है ना बच्चे उसको कभी भी गिव अप मत कीजिएगा कि आज नहीं कल कर लेंगे अरे होगा तो हो जाएगा ये थिंकिंग कभी नहीं लेकर आनी है ठीक है तो ये थिंकिंग कभी नहीं लेकर जानी है तो हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ अपने एम की तरफ टारगेट की तरफ बढ़ते ही रहना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आ, मैम आ गया क्या सीयूटी का एलोकेशन नहीं बचे अभी नहीं ठीक है जब आएगा तब आपको सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की तरफ से ही आपको नोटिफिकेशन मिलती है ठीक है वैसे तो काफी सारे चैनल से आपको पता चल जा चल जाता है लेकिन जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की होती है ताकि वो बच्चों को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचा दे तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट से मुझे एक बार थम्स बच्चे एक बार थम्स ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें जल्दी जल्दी से थम्स देंगे क्लियर हेलो मनीषा हेलो प्रूफ प्रूफ कैसा नाम है ये चलिए भाई स्टार्ट करते हैं तो ये होगा आपका ब्रेक बीट्स एंड बोन्स राइट चलिए बच्चे तो चैप्टर कुछ हमारा इस तरीके से है कि सबसे पहले हम इस भाई साहब की सुनते हैं तो ये जो हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी बच्चे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है सारी चीजें हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे ठीक है समझते हुए चलेंगे तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्रीक बीट्स एंड बोस इन तो इसका टाइम पीरियड माना गया है बच्चे ये टाइम ता, पीरियड जो आपके सीयूटी में बहुत बार 2022 में पूछा गया था इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पूछा गया था तो ध्यान रखना ये होगा बच्चे आपके 2600 से लेकर के 2600 से लेकर के और 1900 BC का टाइम बताया गया है दैट मींस कि हड़प्पा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था अर्ली हड़प्पा मिडिल हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा राइट तो ये जो हमारा पार्ट है ये मेच्योर हड़प्पा से रिलेटेड है ठीक है तो यहीं से ही स्टार्ट होती है हमारी हड़प्पा की जर्नी तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हड़प्पा का टाइम पीरियड कब से कब तक का माना गया है 2600 से जो हमारी NCRT में देखो किसी और बुक को रिलाई मत करना कि बहुत सारी बुक में इसके अलग अलग जो है पीरियड मैंशन किए गए हैं एनसीआरटी पर रिलाई करना है आपको एनसीआर पर विश्वास रखना है ताकि आप जब भी आपको अगर क्वेश्चन एन की तरफ से कहीं इससे गलत हो जाता है तो आप उस पर क्लेम कर सको प्रूफ दिखा सको कि

बेसिक क्वेश्चन हमारा ये है जैसे मैंने आपको एक सेशन दिया था कि हड़प्पा की जब डिस्कवरी हुई थी तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया इसको बाकी और क्यों नाम से क्यों नहीं जाना गया तो बच्चे क्योंकि ये सबसे पहले हड़प्पा नामक सिटी से ही ये इसका इसकी डिस्कवरी हुई थी मतलब जो भी एविडेंस निकाले गए थे वो हड़प्पा नामक शहर से ही निकाले गए थे क्योंकि पहली बार वहीं से ही पहले एविडेंस निकाले गए थे ऑब्जेक्ट्स निकाले गए थे जो भी प्रूफ थे वहीं से ही निकले थे तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया राइट तो ऐसा नहीं था कि इसका नाम जब वो पहले कभी बसी रही होगी तो इसका नाम हड़प्पा ही था

शेरीवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राइट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शेरीवाल ठीक है शेरीवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये हड़प्पा और शेरीवाल डिस्ट्रिक्ट में एक हड़प्पा नामक सिटी है यहीं से ही सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था डिस्कवरी हुई थी इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया अब आती है कि इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसलिए कि पाकिस्तान में एक रिवर फ्लो होती है उस रिवर का नाम है इंदस रिवर राइट उस रिवर का नाम है इंदस रिवर क्योंकि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन उस इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास में लोकेटेड थी इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंदस वैली सिविलाइजेशन राइट समझ में आ गया तो ये फाइव के नाम भी कई बार पूछ दिए है जाते हैं हम वो कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन बने और आप उसका आंसर ना दे पाओ तो कौन कौन सी फाइव ट्रिब्यूटरीज थी इंदस वैली की तो हम यहां पर पता करते हुए चलेंगे राइट तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी रावी ठीक है रावी ब्यास सतलज रावी ब्यास, सतलज झेलम ठीक है रावी ब्यास सतलज झेलम और चिनाब ठीक है तो ये कौन सी थी बच्चे इसकी फाइव ट्रिब्यूटरीज़ थी ट्रिब्यूटरीज़ किसको कहते हैं सहायक नदियों को तो इस इंदस रेवर की फाइव सहायक नदियां थी इस इंडस रिवर की फाइव ट्रिब्यूटरीज थी जिनका नाम था रावी ब्यास सतलुज चिनाब और झेलम तो पांच हो गई है ठीक है अब चलते हैं आगे की तरफ तो आगे की कहानी क्या कहती है आगे की कहानी कहती है मोहन जो दारो पे बात आते हैं अब हड़प्पा को तो हमने देख लिया इसकी डिस्कवरी हुई थी तो हड़प्पा की डिस्कवरी जब हुई थी किसने की थी बच्चे राख इसने की थी दयाराम साहनी ने कब की थी नाइनटीन में ठीक है तो दयाराम साहनी ने जब नाइनटीन में हड़प्पा की डिस्कवरी की तभी से हड़प्पा की खोज स्टार्ट हो जाती है और उसके ठीक एक साल बाद मोहनजोदारो की डिस्कवरी होती है 1922 में जो कि किसने की थी राखल दास बनर्जी ने राइट नीतू सिंह गुड इवनिंग मैम आई एम आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट मैंने सीयू 2022 दिया था ओके बच्चे गुड ठीक है तो अब बात करते हैं किसकी मोहनजोदारो की तो हड़प्पा को तो मैंने बता दिया कि कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी तो हड़प्पा को जब डिस्कवर किया गया था तो वो सबसे पहले जो ईंटे होती है ना ब्रिक्स जो होती है इसका नाम ही क्या रखा गया ब्रिक बीट्स एंड बोन्स क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई थी इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी यही रख दिया गया हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मार्शल राइट तो वो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि जगह जगह साइट्स पर जा करके चीजों को डिस्कवर करना ठीक है तो वो डिस्कवर कर रहे थे तो उनकी टीम उनके साथ जाती थी है ना तो उनकी सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर बहुत पहले किसी हड़प्पा नाम Uh, मतलब बहुत बड़ी सिविलाइजेशन यहाँ पर रही होगी बसी होगी तो उन्होंने पहले तो वो अपनी टीम के साथ जाते हैं शेरीवाल डिस्ट्रिक्ट में तो उन्होंने जो जो शेरीवाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर जहां पर वो बैठे हुए थे तो वहां पर कुछ रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे तो उनसे पूछा किसी ने आ, मतलब उनमें से ही टीम और कहा चीज लेकर जा रहे हो तो कहा, ये हैं और ही में वो ब्रिक्स देखी जो आज की ब्रिक्स से काफी उनको डिफरेंट लगी काम को वहीं रुकवा दिया गया और इस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाती है इस पर पूरी की पूरी एक जांच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है और यहां से स्टार्ट होती है हड़प्पा की जर्नी ठीक है अब हड़प्पा तो ऐसे-ऐसे मैम पढ़ने पढ़ने के बाद मेरा CUT बहुत, पढ़ने के बाद बाद मेरा मेरा बहुत अच्छा तो आपसे और जो एग्जाम देने वाले हैं ठीक है रेगुलर सेशंस को अटेंड करोगे काफी सारे यहाँ पर मेरे, आ, जिनकी, आ, जिनका एग्जाम हो चुका है और काफी अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए हैं ठीक है टॉपर्स भी रहे हैं ह्यूमैनिटीज में जहां पर मैं उनको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी ठीक है जोग्रफी तो कोई मैम पढ़ाते थे सर पढ़ाते थे तो काफी सारे बच्चों के यहाँ पर जोग्रफी हिस्ट्री में इसमें हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मतलब कि हंड्रेड परसेंटाइल भी आई है ऐसे भी बच्चे थे तो उन्हीं में से एक ये नीतू भी है जिसका एग्जाम बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ और थैंक्स बोल रही हैं थैंक यू सो मच बच्चे ठीक है ओके okay. अब चलते हैं आगे की तरफ मोहन जोदारो की तरफ ठीक है लेकिन बच्चे एक कंडीशन ये होगी ऋतिक तो अच्छा रोशन याद आता है, है ना तो ऋतिक रोशन वाला ये मोहन जोदारो हाँ ठीक है उस पिक्चर में काफी कुछ दिखाया गया है लेकिन बच्चे सारी उसमें रियलिटी नहीं है कुछ तो मॉडिफिकेशन की होगी ना मूवी है तो कुछ तो उसमें मसाला डालना पड़ेगा ना ताकि लोग ज्यादा ज्यादा उस चीज को देखें तो बेसिकली हम मोहन जोदारो हड़प्पा वाला मोहन जोदारो पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन जोदारो इज रेपेड मोहन जोदारो का सबसे पहले लिटरल मीनिंग देखते हैं तो क्वेश्चन आया था मोहन जोदारो का मीनिंग क्या होता है लिटरल मीनिंग होता है माउंट्स ऑफ डेड मतलब की मृतकों का टीला सब बच्चे बहुत अच्छे स्टडी करो आप सब हां जी बच्चे बिल्कुल देखो नीतू ने सबको बताया ना मोटिवेट किया है सबको इंस्पायर किया है कि उसको जैसे अच्छे नंबर आए हैं आप भी अच्छे से पढ़ाई करो रेगुलर सेशंस अटेंड करो सेशंस जब हमारे ये वन शॉट्स खत्म हो जाएंगे सभी चैप्टर के हमने वन शॉट दे देंगे उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे सी यू टी की ठीक है एम के थ्रू तो लेकिन वो एम भी आप तभी तभी की तभी ठीक कर पाओगे जब आप चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तभी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकोगे तो बस इसके लिए आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशंस को जब भी सेशन हो आप उसको रेगुलर अटेंड कीजिएगा ठीक है तो ये बच्चे वो हैं जो रेगुलर सेशंस अटेंड करते थे खुद भी यहाँ से भी पढ़ते थे खुद भी पढ़ते थे और कहीं से कहीं से जैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी होगी वहां से भी पढ़े थे ठीक है तो आपको बस अपने भी एफर्ट्स डालने हैं उसमें राइट तो हम बात करते हैं किसकी माउंट ऑफ डेट्स की राइट तो अब, तो अब? द आर्कियोलॉजिस्ट इंपोर्टेंस अच्छा अभी मैंने बताया 1922 में राखल दास बैनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी इसमें दो चीजें बहुत ही फेमस हैं कौन कौन सी दो चीजें एक तो ग्रेट बात और द ग्रेट ग्रेनरी राइट ग्रेट बा, ग्रेट बात का जो लेंथ और बताई गई है ग्रेट बाथ 39 फीट जो थी इसकी लेंथ थी ये ये क्या है बच्चे ये ग्रेट बात है ठीक है ये देख रहे हो ध्यान से समझना इसको इसकी जो लंबाई है इसकी जो वो क्या बताई गई है लेंथ जो बताई गई है वो थर्टी फीट की बताई गई है राइट बच्चे थर्टी नाइन फीट की तो ये इसकी थर्टी नाइन फीट है और इसकी ब्रेथ जो है वाइड, मतलब कि चौड़ा कितना था ये था एट फीट राइट थर्टी नाइन ट्वेंटी थ्री फीट ये क्या था ब्रॉड था वाइड था और एट फीट ये गहरा था मतलब कि जैसे इंसानों की हाइट कितनी होती है तो सेवन सेवन से ज्यादा भी होती होगी किसी किसी की कि. तो टोटल इसकी जो डीपनेस बताई गई है वो कितनी थी एट थी ठीक है मैम की क्लास बहुत तो यूजफुल होती हैं कुछ और मत करो मैम की क्लास रेगुलर अटेंड करो अड्डा ट्वेंटी थैंक यू सो मच नीतू थैंक यू सो मच बच्चे ठीक है तो आपको क्या करना है आपको ये ध्यान से सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए चलना है ठीक है ओके अब आती हैं बारीक इसकी आ, ये हो गया अब आता है ग्रेट ग्रेनरी तो लेंथ कितनी है? इसकी 150 है और 50 आ, फीट ये वाइड थी ये क्या है बच्चे ग्रेट ग्रेनरी ग्रेट ग्रेनरी किसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेनरी कहता आता है विशाल अनाज भंडार ठीक है तो विशाल अनाज भंडार इसको कहा जाता है जहां पर वो गेहूं जो भी उनके यहाँ अनाज होता था तो उसको स्टॉक करके रखते थे आज भी तो स्टॉक करके रखते हैं ना कि कभी भी कुछ कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है ड्राउट की सिचुएशन या फ्लड की सिचुएशन आती है कम से कम स्टॉक हमारे पास रहेगा तो कुछ दिन का तो काम चलेगा ना खाने वाने का कुछ दिन का काम चलेगा

फोर फोर चेंजिंग रूम बने हुए थे ईस्ट और वेस्ट साइड में ठीक है तो यहां पर आपको ये गलती मत करना कि नॉर्थ और साउथ में तो स्टेयर्स बने हुए थे और ईस्ट और वेस्ट में चेंजिंग रूम बने हुए थे जैसे कि आप जाते हो ना स्विमिंग पूल में जाते हो कहीं पर जब आउटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर आप, आप वाटर एक्टिविटीज करते हैं तो चेंजिंग रूम बनते बने होते हैं तो ऐसे ही पहले भी बने होते थे राइट और इसका जो ये जो फ्लोर है ना बच्चे जो 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 आप देख रहे हो ये फर्श है है इसका जो फ्लोर है, वो बेक ब, जो बेक्ड ब्रिक्स होती थी ना पकी हुई ईटे होती थी उसका बना होता था कच्ची ईटों का नहीं बना होता था पकी हुई ईटों का बना होता था और उसके ऊपर तारकोल का वो लेप किया होता था ठीक है किसके ऊपर चारकोल जो होते हैं ना उसका लेप किया होता था साइड में भी यहाँ पर भी ताकि पानी रिस्क करके दीवारों के पर ना जाए और दीवारों में जो सीलन सी होती है ना दीवारें खराब ना हो और इसी बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया था ऐसा ग्रेट बाथ कहीं और किसी सिविलाइजेशन में नहीं दिखा है। दिखा ठीक है तो यहां पर आपको क्या बताना है इस ग्रेट बात की स्पेशलिटी बतानी है अगर आप ट्वेल्थ के बच्चे हो तो उसमें यहां पर हर बार एक शॉर्ट नोट आता है किसके ऊपर ग्रेट बात क्या था या फिर आप उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या था वो सारी चीजें आपको बतानी है तो मुझे अब लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ठीक है क्लियर है क्लियर मैम मुझे यूपीएससी UPST... है तो ट्वेल्थ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ अच्छा आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो गुड वेरी गुड आपको यूपीएससी अगर करना है ना तो बच्चे आपको 6 से लेकर के और पूरा अपर लेवल तक की हिस्ट्री पढ़नी होगी ठीक है हिस्ट्री भी पॉलिटिकल साइंस भी और ज्योग्राफी भी तीनों ही ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट बात आती है किसकी नेक्स्ट करते हैं फैक्ट्स ऑफ द मोहन अब मोहन के कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि मोहन में क्या क्या फैक्ट्स हमें बताए गए हैं ओलडेस्ट इन द वर्ल्ड राइट तो ये क्या थी देखो फोर सिविलाइजेशन थी ओल्डेस्ट कौन कौन सी अगर वैसे तो यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट फिर भी पूछ ले तो कोई पता नहीं राइट right? फोर कौन कौन सी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो कौन कौन सी थी फर्स्ट करते हैं हम मेसोपोटामिया ठीक है मेसोपोटामिया नेक्स्ट हो जाएगा आपका हड़प्पा थर्ड हो जाएगा आपका इजिप्ट ठीक है और फोर्थ हो जाएगा आपका चाइनीज सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा फोर्थ वन चाइनीज सिविलाइजेशन ठीक है तो ये बच्चे फोर्थ सिविलाइजेशन थी ओल्डेस्ट इनमें से एक हमारी क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको दुनिया की

डोकयार्ड राइट तो इसमें सबसे पुराना डोकयार्ड भी है नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें इस तरीके के जो ये जो फायर अलता दिए गए फायर अलतार्स बोलते हैं जो अग्नि कुंड होते हैं ना बच्चे कि वो लोग पूजा पाठ करना भी जानते थे तो ये ये चीजें हमें वहां से मिली इसके बिहा पर हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया कोई बताने वाला नहीं था ना ही हमें जो रिटर्न कंटेंट मिले उससे कुछ समझ में आया था तो ये हिस्ट्री बनी कैसे ये हड़प्पा हड़प्पा जिनके बारे में पता कैसे चले इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली ये इन्हीं से ही मिली है बच्चे पॉटरी से मिली है पॉटरी जो होते हैं ना मतलब जो पॉटल्स होते हैं मटके वगैरह बनाते हैं तो वो मटके के एविडेंस मिले साथ साथ में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली बीड्स मेकिंग के मिले शेल्फ कटिंग्स के मिले बैंगल्स मिली और मेटल्स मिले काफी सारी ऐसी चीजें मिली जिससे कि हमें यहाँ के कल्चर के बारे में लोगों के, को, को पता चलता है ठीक है कहाँ के ठीक है तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे मैम अड्डा ट्वेंटी फोर आई करती हूँ पर एप्स अड्डा हो गई है आ, पढ़नी तो मुझे ही अच्छा पढ़ना तो मुझे अच्छा लगता है अच्छा अच्छा बेटा ठीक है ठीक है तो अब नेक्स्ट करेंगे हम इसमें क्या वर्ड अर्लिएस्ट नोन एज वर्ल्ड लोथल में इसका डोक मिला है किसके बताए गए बच्चे ये फैक्ट्स बताए गए हड़प्पन सिविलाइजेशन के गेम लाइक वो गेम कौन सा खेलते थे चेस गेम खेलते थे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी फायर अल्ताज मिले थे इस तरह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे तो ये फैक्ट किसके हैं ये ये फैक्ट है बच्चे हड़प्पन सिविलाइजेशन के या कह सकते हो आप मोहन जोदारो के तो नेक्स्ट करेंगे हम राखी की, तो नेक्स्ट एक बार हमने एक तो हड़प्पा साइट हो गई दूसरी मोहनजोदारो साइट हो गई अब तीसरी साइट के पास चलते हैं तो तीसरी साइट कौन सी थी राखी घड़ी अब यहाँ पर देख रहे हो ये इस तरह का आ, मैप बना हुआ है ठीक है तो मैप में क्वेश्चन आया था सीयू 2022 में राखी और बनावली ये कौन से स्टेट में पड़ती है मैम कुछ नहीं आता ये ठीक है ठीक है ठीक है अब क्या हुआ कि राखीगढ़ी कहां पर है बच्चे ये रहा राखी गढ़ी ठीक है ये कहां पर है ये है हरियाणा में ठीक है हरियाणा में राखी गढ़ी और बताया गया है कि राखी गढ़ी राखी गढ़ी इज द विलेज

अब ये बारी आती है कि इसके नाथ की ये कौन थे बच्चे ए एस आई थे जिन्होंने राखी गढ़ी को डिस्कवर किया था इट वॉज द पार्ट ऑफ द ये मेच्योर हड़प्पा का ही पार्ट था राखी घड़ी जिसको जिसका टाइम पीरियड बताया गया है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड से लेकर के नाइनटीन हंड्रेड बी सी का ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं

वो जैसे ड्रेस जो भी पहनते थे कपड़े पहनते थे तो उसमें डिजाइन होते थे ना तो कहीं कपड़े का पीस मिल गया होगा उस पर ये इस तरह के फूल पत्ती वाले डिजाइन थे तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग उस चीज से भी अवेयर थे नेक्स्ट आता है टेरिकोटा एनिमल फिगराइंस राइट और फिर शेल बैंगल्स इस तरह से हमें ये सारी चीजें कहाँ से मिली है राखी घड़ी से मिली है क्लियर बच्चे गुड इवनिंग बच्चा कैसे हो आप योर स्टूडेंट कैसे हो आप आई एम योर स्टूडेंट ओके बच्चा जया वेलकम बच्चे मैम रिजल्ट आ गया है क्या नहीं बच्चे अभी तो नहीं जैसे ही आएगा बता देंगे अभी साइट बहुत बिजी चल रही है हम लोग ना सारे उसी पर ही वर्क कर रहे थे राइट तो इस तरह से ये क्या है बच्चे ये टैरिकोटा है ठीक टेरी कोटा फिटाइन इस तरह के जो टॉयज बने होते थे ना मिट्टी के टॉयज पहले बहुत टाइम पहले जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो मिट्टी के खिलौनों से ही उनका बचपन बीता है खेल के ठीक है आजकल तो हमारे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है तो वो कहते थे कि हमारे मिट्टी के खिलौने हम उसी से खेला करते थे तो इसी तरह के अब वो मिट्टी को खिलौने कब बनाए जाएंगे जब वो चीजें प्रचलन में होंगी जब वो चीजें ट्रेडिशन में होंगी अब मान लीजिए हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक बुल का मिट्टी का खिलौना मिला है जिसपे बुल की शेप दी हुई है राइट अब वो बुल कहीं ना कहीं तो सिविलाइजेशन में प्लो के लिए यूज होता होगा ना तभी तो उसकी कॉपी बनी ना उसी का मिट्टी का खिलौना बना तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस तरीके से हम चीजों को आ, जानते हुए चलेंगे राइट मैम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी के या अड्डा के ई बुक्स के अलावा कोई मटेरियल बच्चे इतना काफी है एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ नहीं जाना मैम मेघा यू रिमेंबर्ड मी यस जया यस मेघा अच्छी तरह पता है है? बच्चे, ठीक तो चलिए अब चलते हैं धोलावीरा की तरफ तो धोलावीरा क्या हो जाएगा बच्चे धोलावीरा गुजराती इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट द खादरी बेटिन दैट इज बचाओ तुलका तो आपको सिर्फ ये नहीं करना तो आपको इतना याद करना है इतना रिमेम्बर करना है कि गुजरात में क्या है गुजरात में धोलावीरा है बच्चे इंडिया की अगर हम बात करें देखो वैसे तो ज्यादातर साइट हमें पाकिस्तान से मिली है लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं से एविडेंस मिले हैं तो वो गुजरात से मिले हैं राइट तो गुजरात में ही धोलावीरा है गुजरात में ही लोथल है गुजरात में ही वो जो आ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाला है उस तरीके उस वहां वहां पर हमें इसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं धोलावीरा इज लोकेटेड ये क्या है बच्चे इसकी लोकेशन है देखो ये गुजरात है और गुजरात के ठीक इस कट वाले पार्ट पे थोड़ा सा ऊपर धोला है। तो यहां से हमें एविडेंस मिले किन-किन चीजों uh, कि दो पार्ट में डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है साइट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू द वैली सिविलाइजेशन तो ये धोलावीरा साइट भी ये बिलोंग करती थी किससे हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो ये भी उसी का पार्ट है ठीक है बच्चे इट वॉज डिस्कवर्ड इन इसकी खोज कब की गई थी डिस्कवर किया किया गया था था इसको 1968 में किसने जगतपति जोशी ने क्लियर है तो अभी तक हम डिस्कवरीज पढ़ते आ रहे हैं तो कहां पर कौन कौन सी कौन कौन सी एरियाज को डिस्कवर किया किसने किया कब किया सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं ठीक है ठीके? जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो बच्चे नोट्स, बना रहे तो बच्चे नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ में अब बारी आती है लोथल की ठीक है बच्चे लोथल में क्या चीज हमें मिली लोथल इट वॉज वन ऑफ द सदर मोस्ट साइट ऑफ द वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द मॉडर्न स्टेट गुजरात ये भी गुजरात में है जैसे अभी हमने क्या किया लोथल से पहले हमने क्या किया था लोथल से पहले धोला बीरा किया था वो भी गुजरात में था कंस्ट्रक्शन ऑफ द इसकी कंस्ट्रक्शन को माना जाता है आज से लगभग 2200 टू में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था लोथल को और यहां पर सबसे पुराना डोक मिलता है लोथल से डोकयार्ड क्या होता है बच्चे जैसे पोर्ट्स होते हैं ऐसे डोकयार्ड होता है तो वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेल करते थे तो उनका एक तरह से आप सीपोर्ट मान लीजिए राइट तो वहीं से ही इनकी ट्रेडिंग होती थी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ से लोथल से ठीक है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं ये था लोथल अच्छा लोथल से ही हमें कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं वैसे तो सबसे जो ट्रेसेस मिले हैं वो हमें शोरतू घई से मिले कैनाल के ट्रेसेस कैनाल क्या होते हैं बच्चे नहरें होते हैं तो यहाँ पर भी नहरों के साक्ष्य मिले इससे ये पता चलता है कि वो लोग नहरें बना करके और अपने फील्ड्स को इरीगेट किया करते थे ठीक है क्लियर बच्चे

पहले कंसेप्ट को समझिए कंसेप्ट को समझेंगे तभी तो आप एमसीक्यूज कर पाओगे ना आंसर सही दे पाओगे सही यहां पर दोगे तो ऐसे ही आपको आंसर देने होंगे आपके एग्जाम में ठीक है क्लियर बचे चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट आता है मोहन के कुछ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं मोहन अर्बन सेंटर कहा जाता है तो ये मोहन पर इतना फोकस क्यों किया गया बच्चे मोहन चौदारों एक ऐसी सिटी थी जो कि वेल प्लांड थी वेल इसका ड्रेनेज सिस्टम था तो इसके जैसा ड्रेनेज सिस्टम किसी और सिविलाइजेशन में नहीं देखा गया इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा है कि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आज के टाइम में कहीं भी नहीं मिल सकता वो तो उस टाइम की बात हो रही है आज के टाइम में भी देख लो ना कि उसका जो भी वाटर जो ड्रेन होता था वेस्ट वाटर ड्रेन होता था या जो भी ड्रेनेज सिस्टम था आज के टाइम में बरसात आ जाती है जब रेनी सीजन आता है तो जगह जगह पर पिट्स बने होते हैं उनमें पानी भर जाता है पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा आने जाने में प्रॉब्लम होती है दिक्कत होती है लेकिन वहां पर तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं पानी ठीक है रेनी सीजन आ रहा है लेकिन ठीक है कि बारिश आ रही है लेकिन पानी कहीं पर रुकता नहीं था ठहरता नहीं था तो वो इसी तरीके से बनाया गया था कि पानी एक जगह न ठहर कर वो फ्लो हो जाता था तो गंदगी नाम, मतलब नाम की कोई चीज ही नहीं थी उधर ठीक है मैम देश बंधु कैसे कॉलेज है बच्चे अच्छा है देश बंधु बहुत अच्छा है ठीक है बहुत अच्छा है थैंक यू वेरी मच ओके बच्चा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे इसके सिटाडिल पर बात करेंगे सिटाडिल और इसके लोअर टाउन पर ठीक है so, सो सिटाडिल और लोअर टाउन हम देख लेते हैं कि यहां पर डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी कि मान लीजिए ये पूरा का, पूरा का आपका मोहन जोदारो है इस मोहन जोदारो को क्या किया गया था दो पार्ट में डिवाइड किया गया था टू पार्ट में डिवाइड किया गया था जो ऊपर वाला पार्ट था उसको कहा जाता है सिटाडिल जो ऊपर वाला पार्ट था उसको कहा जाता है सिटाडिल क्योंकि ये हाइट पर था और छोटा था तो इसको सिटाडिल कहा गया है और नीचे पार्ट को लोअर टाउन कहा गया है इसको कहा जाता है लोअर टाउन ठीक है इसको कहा जाता है लोअर टाउन लोअर टाउन नीचे की तरफ बना हुआ था लेकिन ये बड़ा था और सिटाडेल ऊंचाई पर बना हुआ था लेकिन ये छोटा था लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों को ही क्या किया गया था, किया गया था. बड़ी बड़ी दीवारों से इनके चारों तरफ इनको प्रोटेक्ट किया हुआ था यहां पर नॉर्मल लोग रहते थे और यहां पर रिच पीपल्स रहते थे रिच फैमिली के लोग रहा करते थे ठीक है अब बात करते हैं किसकी ये बात सारी हो गई है तो उसके बाद यहां पर जो ब्रिक्स जो भी यहां बिल्डिंग्स बनी

ब्रेक्स का रेशो ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और सीयूटी एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है तो ब्रिक्स का जो रेशो था ब्रिक्स का रेशो कहते हैं अब देखना यहां पर ठीक है कि ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ एक ईट बनाने, बनाने की कोशिश करती हूँ तो तो इस तरह की ये ये पैसे तो क्यूब लग रहा है ठीक है तो आपको ये देखना है कि ये जो ईंटे बनी हुई थी बच्चे इसका रेशो क्या था ये था फोर इज टू इज वन राइट तो फोर इसकी क्या होती थी ये फोर इसकी लेंथ होती थी ब्रेथ होती इसकी टू और ये जो आप देख रहे हो ना इसकी जो हाइट देख ये कितनी थी वन तो इनका स्टैंडर्डाइज था? था बच्चे फोर इज टू टू इज टू वन तो ये इनका रेशो होता था ब्रेक्स का राइट right? सनड्राइड होती थी बहुत अच्छी तरीके से इनको बनाया जाता था तो देखिए इस तरीके से ये ईंटें होती थी उनकी राइट right? इस तरीके से ये ब्रेक्स होती थी चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी होगी मैच्योर हड़प्पा क्या होता है अर्ली हरप्पन क्या होता है तो ये अर्ली फेज था ये मैच्योर फेज था और ये लेटर फेज था तो जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना हड़प्पन सिलाइजेसन का ये इस ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम ठीक है तो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि अर्ली फेज में हम थ्री जो कि जिनका टाइम पीरियड बताया गया है 3300 से लेकर 2600 बीसी तक तभी तो ये लेटर में आएगा ना सॉरी मेजर में आएगा तो हम पहले बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी साइट्स हमें देखने को मिली आ, ये थी कालीबंगा राजस्थान में धोलावीरा कच्छ में धोलावीरा कहाँ है जो जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है राइट मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है हड़प्पा पाकिस्तान में बालाकोट अमरी एंड द बहराना हरियाणा में और कोटजी गुमला ये आपका अफगानिस्तान वगैरह में हो जाएगा तो यहाँ यहाँ पर इस वाले पीरियड में इस वाले टाइम में हमें ये ये डिस्कवरीज मिली राइट ये ये साइट्स हमें खोजी गए नेक्स्ट आता है मेच्योर हड़प्पा में मेच्योर हड़प्पा में आप देख रहे हो कि कहां से कहां तक मतलब फोर डायरेक्शंस में अगर बात की जाए कि कहां से कहां तक ये फैली हुई थी स्प्रेड हुई थी तो यहां जम्मू कश्मीर से लेकर यानी कि नॉर्थ में मांडा मांडा कहां पर है जम्मू कश्मीर में तो मांडा से लेकर के और फिर आ जाएंगे हम इधर यूपी साइड में राइट तो ईस्टर्न साइड में आ जाएंगे तो ये सिर्फ यूपी तक ही था आगे नहीं गया था तो ये यूपी तक तो यूपी के कौन से, आ, से तक सॉरी कौन सी सिटी तक आलमगीर तक और उसके बाद आते हैं हम किस पे सदन पार्ट पे तो सदन पार्ट में आपका आएगा दाइमाबाद क्या जाएगा दाइमाबाद तो दाइमाबाद ये कहां पर होगा बच्चे साउथ में है ये यहां से ऐसे फैला हुआ था और अब हम जाएंगे वेस्ट की तरफ तो वेस्ट में आपका सुत कांगेडोर होगा राइट सुट कांगेडोर बलुचिस्तान और फिर से इस तरीके से ये क्या थी बच्चे ये एक डायमंड शेप की थी राइट ड्रॉपर क्यों कौन कौन है अच्छा समझ में आ गई और उसके बाद ये लेटर फेज था जिसको कि फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं अब आता है फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सेंटर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द लार्जेस्ट अर्लियर कल्चर ये सबसे बड़ा और सबसे ही uh, मतलब एक इंटरेस्टिंग uh, पॉइंट इसका ये रहा है कि हिस्टोरियन को एक नई डायरेक्शन मिली थी डिस्कवरीज की इसके ऊपर रिसर्च करना था काफी कुछ मटेरियल इसमें मिल सकता था और वो अपनी बुक्स में इसको पब्लिश करके दुनिया को बता सकते थे राइट right, तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि फीचर्स ऑफ द हड़प्पा हड़प्पा का फीचर्स क्या क्या मतलब इसके फीचर्स क्या क्या है तो ये सबसे पहला फीचर है कि ये अर्बनाइज्ड था राइट तो ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सोच समझकर बनाया गया था फोर सिविलाइजेशन बता दी मैंने मेसोपोटामिया चाइनीज इजिप्ट और हड़प्पा राइट और इंडस वैली रिवर के पास ये पूरा का पूरा लोकेटेड था ठीक है इस इस टाइम पीरियड को ब्रोंज एज भी कहा जाता है अगर तो क्वेश्चन आता है कि इंसानों ने सबसे पहले किस मेटल को यूज करना सीखा गलती क्या होगी फटाफट से अच्छा पहले मुझे यह बताओ कि इंसानों ने मतलब हम लोगों ने जिस मेटल को सबसे पहले यूज करना सीखा वो कौन सी मेटल थी जल्दी से बताएंगे कौन सी मेटल थी देखते हो कितने बच्चे यहां पर आंसर कर पाते हैं बताइए कौन सी मेटल थी जल्दी बताएंगे कौन सी मेटल थी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करने वाले हैं जल्दी से बताएंगे कौन सी मेटल थी नो नहीं पता कॉपर बच्चे नहीं ब्रॉन्ज नहीं होगी बच्चे ब्रॉन्ज नहीं होगी ललित चौधरी ब्रांज नहीं होगी कॉपर कॉपर ठीक है इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है लेकिन सबसे पहले इंसानों ने जिस मेटल को यूज करना सीखा वो था कॉपर ठीक है कॉपर तो कॉपर के बाद में फिर ब्रॉन्ज आती है तो इस एज को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है ठीक है इट वॉज लोकेटेड द मॉडर्न डे इंडियन पाकिस्तान तो ये सिविलाइजेशन पूरी की पूरी आज के टाइम में पाकिस्तान और इंडिया से ही इसकी साइट मिली है इंडिया से बाहर भी मिली है जैसे अफगानिस्तान में मिला है गई वगैरह में बालाकोट में तो इंडिया से बाहर भी मिली है तो अभी हम बताएंगे राइट सो कवर्ड एरिया द लार्जेस्ट वेस्टर्न यूरोप राइट तो अब हम करते हैं बात इसकी काली बंगा की काली बंगा क्या है बते? काली बंगा का लिटरल मीनिंग होता है काले रंग की चूड़िया ठीक है ब्लैक बैंगल्स जिसको बोलते हैं तो यहाँ पर बताना है आपको कि ब्लैक इसका मीनिंग है काली बंगा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीगमेंट ऑफ द ब्लैक बैंगल्स विच आर फाउंडेड द सरफेस ऑफ द माउंट तो हमें ये कैसे पता चला कि इसको ये ब्लैक बैंगल्स हमें कहाँ से मिली तो बच्चे ये क्या करते थे जो इनकी uh, जो डेड uh, वो होते थे ह्यूमन बींग्स होते थे मतलब जो डेड पीपल्स होते डेड बॉडीज होती थी उनको ये फंडल प्रोसेस जब करते थे ना उनका दाह संस्कार वगैरह करते थे तो वो उनको जलाते नहीं थे डेड बॉडीज को गड्ढा खोदते थे पिट्स बनाते थे और फिर उस गड्ढों में उन डेड बॉडीज को दफनाया जाता था और उनके साथ में हमें मिली ब्लैक बैंगल्स तो हमें इससे पता चला जब एग्जीबिशंस के दौरान जब वो चीजें निकाली गई तो हमें उनकी बोन्स के साथ साथ में उनके हाथों में कुछ बैक ब्लैक बैंगल्स बैंगल्स दिखाई दी इससे ये पता चलता है कि वो लोग चूड़ियां मतलब औरतें जो थी वो चूड़ियां भी पहनती थी राइट तो इस ब्लैक बेंगल्स का मीनिंग क्या होता है काली बंगा का मीनिंग ही ब्लैक बेंगल्स होता है और ये हमें कहां मिली? ये हमें हमें मिली मिली उस माउंट से राइट तो काली बंगा the the the, आ, यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली सील्स मिली स्क्रिप्ट मिली स्टैम्प मिले ह्यूमन कैलेट मिले कॉपर बेंगल्स मिले कॉइन्स मिले बीड्स टॉय टेरिकोटा ये सारी चीजें हमें कहा से मिलती है काली बंगा से ये देख रहे हो ना ये सील्स वगैरह थी ठीक है तो इस सारी चीजें हमें कालीबंगा से मिली है अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ ड्रेनेज सिस्टम क्या कैसा था बच्चे उसका ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान से देखना तो ड्रेनेज सिस्टम इसका दुनिया का सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इसको माना गया है तो बताना है कि द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिटीज वॉज बेस्ट नोन टू द वर्ल्ड इन द एशंट टाइम राइट तो ये दुनिया की सबसे अच्छा इसको माना गया है सिस्टम को द ब्रीक वर्क प्रिवेंटेड द डर्टी वाटर फ्रॉम द लीकिंग तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लीक वो होता था जैसे पानी जा, लीक होकर के बाहर रोड वगैरह पे चला जाता है उस तरह का कोई सीन नहीं था बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान करके बनाया गया था देखना ये ग्रीड पैटर्न पर बनाया होता था फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये जो घर बने होते थे ये इस तरीके से ग्रीड पैटर्न पर बने होते थे तो एक तरफ ये बन गए उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्ट्रीट होती थी तो इन घरों की एक दीवार जो होती थी वो कंपल्सरी थी कि उनकी एक वॉल स्ट्रीट के साथ में लगी होंगी तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर घर बनते थे इस तरीके से जो दूसरी तरफ घर बनते थे उनकी भी एक वॉल स्ट्रीट की तरफ में जाएगी इसका रीजन क्या था रीजन ये था कि वॉल के साथ साथ में वॉल के साथ साथ में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था मतलब वॉल के साथ साथ में नालियां बनाई गई थी ताकि घरों का जो वेस्ट वे, वाटर होता, होता है वो इन नालियों के थ्रू इन ड्रेन, ड्रेन के थ्रू वो बाहर चला जाता था और यहाँ पर आकर मेन रोड में एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता था गटर जिसको बोलते हैं सीवर जिसको बोलते हैं वो आकर सारा पानी यहाँ पर गिर जाता था घर जो होते थे वो स्लैंटिंग में बने होते थे कि पानी कहीं रुकता ही नहीं था इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया था ठीक है रोड ठीक है हड़प्पा तो तो सारे के, सारे? के, के लोग कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे ये वैसे तो एविडेंस हमें कहीं नहीं मिले लेकिन हाँ जो भी एविडेंस मिले उसके बिहार पर हमारे हिस्टोरियन ने बताया इन एडिशन दर्शिप ऑफ द शिवास एंड द शक्ति ऑफ द बोथ सिंबॉलिक फॉर्म तो हमें क्या पता चला कि ये जो भी हमें सील्स मिली है इसके ऊपर हमें पशुपति शिव की मूर्ति मिली है राइट आई रामजस ओके ओके सुशील ठीक है ठीक है ठीक है तो आपको रामजस कॉलेज मिल गया वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे कांग्रेचुलेशन ठीक है तो अच्छा अब क्या हो गया रिलीजियस लाइफ कैसी थी बच्चे देखो ये किस किस की पूजा करते थे प्रोटो शिवा की करते थे जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है एंड द शक्ति बोथ ह्यूमन एंड द सिंबॉलिक फॉर्म तो ये शक्ति की भी पूजा करते थे इस तरह से मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे ठीक है नेक्स्ट आता है ये लोग उसके साथ साथ में पत्थरों को भी पूजते थे ट्रीज को Uh, मतलब कि उसकी वर्शिप करते थे एनिमल्स की बिकॉज दे बिलीव जैसे हम लोग क्या करते हैं गौ माता को पूछते हैं ना मतलब गौ माता को एज अ होली एनिमल हमने कर दिया है तो गाय को भी हम एक तरह से भगवान मानते हैं उसके बाद जैसे ट्रीज हो गए तो पीपल में पानी डालने जाते हैं पीपल की पूजा करते हैं राइट तो इस तरह से स्टोन्स की भी तो करते हैं तो स्टोन्स में से ही क्या करते हैं मूर्तियां बनाई जाती है भगवान की फिर हम उसकी पूजा करते हैं तो ये ट्रेडिशन अब नहीं है ये पहले से ही चलता आ रहा है राइट ठीक है वैन विल बी पॉलिटिकल साइंस क्लास स्टार्ट बच्चे वो चल रही हैं ललित चल रही हैं वो मैं सिर्फ यहाँ पर हिस्ट्री लेती हूँ पॉलिटिकल साइंस अनुषिया मैम लेती हैं ठीक है और जोग्राफी भी अनुषिया मैम लेती हैं ठीक है रेगुलर चल रही हैं उनकी रेगुलर चल रही हैं ठीक है तो क्लास अटेंड कर लिया करो बच्चे ओके तो द हड़प्पन वर्शिप द मदर गॉडेस ये मदर गॉडेस है ठीक है एंड द पशुपति शिव ये पशुपति शिव है पोस्ट हड़प्पन एज पॉटरी एंड द ज्वेलरीज फाउंड राइट तो हमें और क्या क्या मिला बीड्स मिली पॉटरी मिली और ज्वेलरीज वर फाउंड इन दैट

ड्यू टू द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री का मतलब पशुपालन करना राइट right? इंडस्ट्रीज भी थी उनकी जैसे मन के बनाने की थी जो बीट्स मेकिंग करते थे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी थी ट्रेड एंड कॉमर्स भी किया करते थे दीज मेड द प्रोस्पेरियस एंड ओपन फॉर दैम द एवेन्यूज ऑफ द कंफर्टेबल लाइफ तो इस तरीके से ट्रेड उनका ठीक ठाक चल रहा था तो ठीक ठाक से गुजारा हो जाता था उनका ठीक है तो बहुत ज्यादा पुअर्टी पूर, नहीं थी उसमें तो बहुत ज्यादा रिचनेस भी नहीं थी लोग अपने ठीक से सर्वाइव कर रहे थे देखो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग uh, बात यह है कि वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी कोई हेड नहीं था और बिना हेड के बिना गवर्नमेंट के लोग अपने आप ही अपने तरीके के रूल्स फॉलो करते थे किसी तरह के उसमें उनमें लड़ाइयां भी नहीं होती थी आज के टाइम में देखिए गवर्नमेंट भी है हेड्स भी होते हैं सब चीज होती है लेकिन फिर भी लड़ाइयां होती हैं लेकिन उस टाइम में बहुत ही शांति से लोग रहते थे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई उनके बीच में लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी ठीक है अब ये कौन कौन से पशुओं को डोमेस्टिकेट करते थे तो यहाँ पर बताया गया है लाइक डॉग्स कैट्स बुल और द कैटल जो दूध देने वाले पशु होते थे वी दैट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिक और इसके अलावा जो डोमेस्टिक होता था जैसे फोल हो गए फोल क्या होता है फोल होता है बच्चे वैसे अः जो हॉर्स का बेबी होता है उसको फोल बोला जाता है कैमल्स हो गए बफेलो हो गए और पिग्स हो गए ये ध्यान रखना हड़प्पा के लो, लोग जो थे वो काउ से अनअवेयर थे काओ को नहीं जानते थे कि काउ भी कोई एनिमल होता है तो ये गलती मत करना आपके ऑप्शन में आएगा काओ भी आएगा लेकिन काव वो लोग नहीं जानते थे बच्चे ठीक है बफेलो जानते थे कैमल जानते थे गॉड शिप ये सब जानते थे लेकिन काउ से वो अनअवेयर थे ठीक है हिस्ट्री क्लास की आ, डेली टाइमिंग क्या है बच्चे हिस्ट्री क्लास की डेली टाइमिंग नहीं होती है वीक में एक बार आऊंगी मैं और एक बार वन शॉट दूंगी ठीक है बाकी जीटी और रीजनिंग की क्लास डेली होती हैं तो वह आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आती चली जाएगी ठीक है मेरी एवरी ट्यूसडे को वन शॉर्ट जाएगी आपके सीयूटी पे ठीक है एवरी ट्यूसडे और थ्री uh, पीएम पर ठीक है चलिए अब चलते हैं किस पर ट्रेड एंड कमर्स पर तो किस तरह से ट्रेड करते थे ट्रेड एंड कमर्स क्या क्या था इनका तो कौन कौन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीजें किया करते थे हड़प्पन पीपल यूज टू ट्रेड विद द ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके सी यू टी में द हड़प्पन पीपल यूज टू ट्रेड फॉरन लैंड ट्रेवलिंग थ्रो सीज सी पोर्ट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टेट दैट वर नॉट बाउंड टू देयर ऑन टेरिटरी राइट तो वो अपनी ही टेरिटरीज तक बाउंड नहीं थे मतलब कि अपने ही जैसे इंडिया में रहते थे पाकिस्तान मतलब पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही था ना कि अपने ही लोकल एरिया से ही वो लिमिटेड uh, नहीं थे बल्कि बाहर के देशों से भी वो लोग ट्रेड किया करते थे राइट right? लेकिन ये क्या बताया गया है दे हैड ट्रेड विद द ईरान एंड अफगानिस्तान इंडिया से बाहर कितने कंट्री के साथ में ट्रेड होता था आ, अफगानिस्तान और ईरान के साथ में तो वहां से क्या चीज वो इंपोर्ट करवाते थे जो चीज उनको यहाँ नहीं मिलती थी वो थे मिनरल्स राइट right? वो क्या थे बच्चे मिनरल्स वाइल्ड लेड जो शीशे होते हैं लेड जो होते हैं एंड द कॉपर वर एक्सपोर्टेड वो इंडिया से उधर जाते थे और उधर से मिनरल्स आते थे क्लियर तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था

Such as, अब देखो jam, jam जैसे आज हमारे शायद parents से पहनते होंगे जो रिंग पहनते हैं ना उनके अंदर blue, कोई व्हाइट स्टोन लगवाता है कोई, white stone लगवाता, है, कोई red stone लगवाता है तो ये जो कलर्ड स्टोन थे ना ये ये पहले के टाइम में भी चला करते थे राइट तो ये कलर्ड जैम स्टोन थे इनको क्या बोला जाता था जैसे सच एज लापिस लवली लापिस लवली ब्लू कलर का स्टोन होता है बच्चे जो पहले भी यूज होता था और आज भी यूज होता है राइट एंड द टर्वाइंस राइट तो वो टर्कवाइंस होता है वो भी अः जैसे वो ब्लूइश कलर होता है तो उस टाइप के यहाँ पर ट्रेडिंग किया करते थे इन इन चीजों की अब क्या आता है इनके वेइंग सिस्टम क्या थे बच्चे ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना सिर्फ आपके सीयूटी एग्जाम के लिए बल्कि फर्दर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये चैप्टर जरूर जरूर आता है इसलिए इस चैप्टर को सीरियसली आप इसको आ, गो थ्रू कीजिएगा इससे इस सेशन से आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा अगर कहीं से कुछ और भी रह गया हो या आप कहीं से और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते

कि हड़प्पन लोगों की बेसिक यूनिट मेजरमेंट की क्या थी 16 थी तो ये जो 16 यूनिट जो होती थी वो आज के टाइम का 14 ग्राम का एक होता था ठीक है और उसके बाद लार्ज वेट वर मल्टीपल जो बहुत बड़े हैवी है, अच्छा उनके ऊपर मार्क नहीं होता था जैसे 1 केजी का हो गया 2 केजी का हो गया 5 केजी 10 केजी इस तरह से मार्कएबल नहीं होते थे वो तो जस्ट मतलब वो क्या करते थे अंदाजा से ही कि ये एक किलो होगा ये टू फिफ्टी ग्राम्स होगा ये फाइव के जी होगा तो इस तरीके से वो अंदाजे से ही लेकिन वो कहते हैं कि जो लार्ज वेट होते थे वो मल्टीपल होते थे लाइक like तो मल्टीपल का मतलब होता है वो डबल हो जाते थे 16, 32, 48, 64. अब आप देख रहे हो कि ये तो फोर्टी टू ये फोर्टी एट जो है वो डबल तो नहीं हुआ ना ये क्या कह रहा है लार्ज लार्ज वेट्स वर मल्टीपल ऑफ सिक्स लाइक थर्टी टू फोर्टी एट सिक्सटीन उसके बाद आपका हो जाएगा मतलब ये क्या करते थे इसमें 16 16 प्लस करते जाओ इस तरीके से वो हो जाएंगे स्मॉल वंस और जो छोटे-छोटे वो होते थे मेजर्स होते थे वेइंग होते थे वो जैसे ज्वेलरी वगैरह लेने जाते थे तो आज भी हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं और भाई कह दें उनको कि भाई हमें सोने की चेन चाहिए होती है तो उनके पास ना छोटे-छोटे से वो होते हैं वेइंग्स वो होते हैं वेइंग्स होते हैं राइट बाट जिसको बोलते हैं तो वो उसी तरीके के अगर चीजें छोटी होंगी हल्की होंगी तो उनके लिए छोटे यूज किए जाएंगे अगर बड़ी होगी कोई बहुत सारी किलो चीज लेनी होगी तो उनके लिए बड़े बड़े वेइंग सिस्टम यूज किए जाते थे ठीक है क्लियर बिरांडा हाउस मिल गया अरे वाह वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चे वेरी गुड कंग्रेचुलेशन बच्चे अर्चना कॉन्ग्रेचुलेन आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू वेरी हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है अब ये बच्चों को देख लो इनका मनपसंद इनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी उनको मिल रही है लेकिन बच्चे इन्होंने पढ़ाई की है तो आपको भी अब ऐसे ही करना है जो नए स्टूडेंट हैं जो अब आने वाला एग्जाम देंगे 2023 का सी यू टी का उन बच्चों को भी ऐसी ही तैयारी करनी है रेगुलर सेशन लेने हैं प्रैक्टिस करनी है खुद से पढ़ना है नोट्स बनाने हैं जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते तो करो लेकिन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करने में बस अब लग जाओ ठीक है द मदर गॉडेस डोमिनेंट तो इस तरह से ये मदर गॉडेस की क्या करते थे मदर गॉडेस की को वर्शिप किया करते थे थैंक यू अर्चना तो मदर गॉडेस वाज शो दैट द सोसाइटी वाज प्रोमेंटली मैत्री आर्कल राइट तो इससे ये शो होता है इस मदर गॉडेस से कि जो सोसाइटी थी वो मैत्री आर्कल थी मैत्री आर्क का मतलब होता है जिसमें विमेन्स की डोमिनेंस डोमिनेंस होती है मतलब कि मदर मदर की मदर जो होगी वो हेड होगी ठीक है तो इससे मैथ्रियल सिस्टम शो होता है देयर वॉज अ डिविजन लेबर ऑफ द सोसाइटी वॉज डाइवर्सिफाइड एंड द द सर्टिफाइड पीपल वर स्कॉलर तो इनमें लोग मतलब सोसाइटी पूरी जो सोसाइटी uh, थी हड़प्पा सोसाइटी हड़प्पन सोसाइटी उसको भी कैटेगराइज किया गया था मैम ड्रीम uh, हिंदू था अच्छा ड्रीम हिंदू था लेकिन बच्चे मिरादा भी uh, कम नहीं है मिरांडा भी बहुत अच्छा है ठीक है मिरांडा भी बहुत अच्छा है तो अब आएगा स्कॉलर इनमें कौन कौन से लोगों को कैटेगराइज किया गया था तो इनमें कौन कौन से लोग स्कॉलर्स भी थे आर्टिशन थे ट्रेडन थे वॉरियर्स थे एंड बिजनेसमैन थे राइट तो शिवा और द पशुपति सीम्स टू तो बी वेरी ओनली वन मेल एज द डिपेक्टेड सिर्फ हमें एक ही मेल डिटी की यहाँ पर एक ही देवता की मूर्ति मिलती है और वो थे पशुपति शिव तो जगह जगह पर हमें मदर गॉडेस की ही मूर्ति मिली इससे ये पता चलता था कि वहां पर मैथ्री आर्कल जो था सिस्टम चलता है Tike. टेरिकोट फिगराइन तो बच्चे इस तरह का टेरिकोटन टेरिकोट फिगराइन देख रहे हैं ना तो ये हमें बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से मिली है मोहनजोदारो से तो इससे ये ये, कहां कहां से मिली है द क्रूड ऑफ द इंदस वैली दे आर मोर रियलास्टिक गुजरात साइट इन द कालीबंगा तो हमें जहां जहां से भी साइट हमें पता चली तो मैक्सिमम साइट्स पर हमें इसी तरह की मूर्तियां मिली हैं और इसी मूर्तियों को लगा करके पता चलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द इंदस फिगर फिगर फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटिंग द मदर गोडेस और ये मदर गोडेस की ही हमें फिगर्स मिली हैं मूर्तियां मिली हैं जिससे पता चलता है कि लोग स्पेशली इन्हीं इन्हीं की पूजा करते होंगे ठीक है इन द स्क्रिप्ट तो बच्चे मैंने आपको ये बताया कि इन द स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका आज तक इसको पहचाना ही नहीं जा सका कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था मतलब कहाँ से ये क्या चीज़ लिखी गई थी तो नहीं पता चलता इंदर स्क्रिप्ट ऑल्सो स्क्रिप्ट को हड़प्पन कहा जाता है सिंबोलिक प्रोड्यूस बाई वैली सिविलाइजेशन अच्छा ये लैंग्वेज जो थी बच्चे ये अनोन थी राइट right? ये लैंग्वेज कौन सी थी अनोन थी इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या थी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती तो यहां से ये ऐसे लिखते थे ठीक है तो गलती मत करना जैसे हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे इनकी स्क्रिप्ट जो होती थी वो पिक्टोग्राफ होती थी पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्चर्स की फॉर्म में होती थी कोई रिटर्न वो नहीं होता था कि एबीसीडी लिख दी अनार लिख दिया इस तरह से नहीं होता था बल्कि वो पिक्टोग्राफ होता था ठीक है अब आ जाएगा हड़प्पन सील्स तो ये क्या थी बच्चे ये हड़प्पा की सील्स, थी। सील्स क्या होती हैं जब वो ट्रेडिंग करने जाते थे तो ये सील्स जो होती थी बच्चे ये एक्सचेंज होता था दोनों के बीच में ट्रेडिंग का जो एक्सचेंज मीडियम होता था, मीडियम होता था था मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो सील्स होती थी तो इस तरह की हमें वहां से सील्स दिखाई दी हैं अ फ्यू दैम वर बेड ऑफ और ये सील्स किस किस की बनी होती थी बच्चे ये टेरिकोटा की जो मैंने बताया ना एक स्पेशल क्ले होती है मिट्टी होती है उसकी बनी होती थी गोल्ड की भी होती थी अगेट की एक मटीरियल होता अगेट चर्ट की मतलब एक

पोर्ट्स uh, बनाए जाते थे और उन को जब जब धूप में सुखाया जाता था, तो जब वो सूख जाता था था तो तो वो सूख एक तरह से चमक आ जाती थी उनके uh, मतलब जब वो सूखने के बाद एक तरह से उस पूरे पॉट पर चमक आ जाती थी और ये कोई नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसको बल्कि रिच पीपल ही इसको अफोर्ड कर सकते थे इसलिए फियास जो था बहुत ही कॉस्टली होता था राइट और uh, फिर आ जाएगा आपका सील्स जो होती थी इसका सील्स का मेजर बताया गया है ये टू बाय टू का डायमेंशन होता था मतलब कि टू बाय टू का इसका जो जो ब्रेथ और जो लेंथ होती है इसकी टू बाय टू की थी ठीक है ये है पूरा का पूरा इसका एसेंस ठीक है ये पूरा का पूरा एसेंस है तो ये आपको देखना है हड़प्पा कहां पर था ये कौन से रिवर के पास था तो आप अगर कहीं से भी नोट्स बना रहे हो कहीं नोट बना रहे हो तो इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे चैप्टर में कौन सी डिस्कवरी कब हुई कौन सा कौन सी साइट कौन सी रिवर के पास थी किसने इसको डिस्कवर किया कब किया पूरा कंक्लूजन आ गया है इस इस चैप्टर में ठीक है कहीं से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसके नोट्स बना सकते हो ठीक है बच्चे क्लियर ओके okay. तो ये था आज का सेशन ठीक है और उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और बाकी एनसीआरटी को फॉलो करते रहिएगा क्योंकि एनसीआरटी जब जब आप रीड करोगे तो एक बहुत ही डीप नॉलेज लेकर जाओगे कुछ सेशंस यहाँ से देखिए कुछ अपने आप से पढ़िए ठीक है ठीके? तो बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हो अपने सीयूटी एग्जाम में क्लियर बच्चे समझ में आ गए एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप शो कर दो जल्दी जल्दी से थम्स अप शो कर दो जल्दी से ठीक है हाँ जी तो जो बच्चे चैनल से नए हैं चैनल पर नए हैं और जिनको नहीं पता है कि यहां पर एस आर सी सी मिल गया वेरी गुड बहुत बढ़िया पूनम वेरी गुड बच्चे कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन सभी बच्चों को जो जो कॉलेजेस मिल गए हैं उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे ये आपके एफर्ट्स ही हैं जो आपको यहां तक पहुंच पाए हो आप है ना गुड बस लगे रहो इसी तरीके से और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर राइट सक्सेस अचीव करो और पढ़ते रहो हमेशा मुस्कुराते रहो खेलते रहो जो भी कुछ करना चाहते हो जिंदगी में वो अचीव करो आई विश है। तो चैनल पर जो नए हैं वो सबसे पहले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा सेशन कैसा लगा क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें आगे के सेशंस के लिए इंस्पिरेशंस मिलती हैं हम लोग मोटिवेट होते हैं कि क्या चीज़ बच्चों के लिए अच्छी लेकर जाएं और क्या कुछ और अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताया करो चीजों को ठीक है और काफी सारे बच्चे सीयू में पेड कोर्स में यहाँ पर एनरोल कर चुके हैं रजिस्टर कर चुके हैं तो करीब करीब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह और शाम दोनों की क्लासेस चलती हैं इवनिंग में तो आप अगर देखो बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की ही तैयारी करवाई जाती है राइट तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको कोर्स को परचेज करना है तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर राइट तो देखो अगर करना चाहते हो बेस्ट तो छोड़ दो ये रेस्ट ठीक है रेस्ट का मतलब ये कि आप ये नहीं सोते रह रहे हो तो जो भी आप ये सोच रहे हो ना कि आज नहीं यार कल कर लेंगे अभी तो बहुत टाइम है तो बच्चे यहाँ पर दोनों तरह की तैयारी करवाई जा रही है आपको बोर्ड एग्जाम की भी और साथ में सीयूटी के एग्जाम की भी तो दोनों तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है इसलिए ये ये जो आपका पेड कोर्स है इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो बच्चे आप बोल रहे हैं ना क्लासेस आर रियली वेरी गुड थैंक यू बच्चे क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना जो बोल रहे हैं कि मैडम मुझे मिरांडा मिल मिल गया मिल गया एसआरसीसी या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स से जिन्होंने एग्जाम दिया था राइट तो डीप नॉलेज लेकर गए थे तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप भी अच्छे मार्क्स को क्रैक करें अच्छी परसेंटेज ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में लेकर आए तो जल्दी कीजिए देर मत कीजिए क्योंकि अगर आप जितना देर करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा ये सक्षम बैच है उतना ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जैसे यहां पर दिया हुआ है अंडर एंट्रेंस एग्जाम राइट तो आपको गूगल पर जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टाइप करके फर्स्ट ऑप्शन जो होगा लार्जेस्ट वनकुलर एप्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम वहां पर जाना है और वहां पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीयू टी दिख रहा होगा तो सी टी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो है, है, सी जिस भी, आर्ट्स जिस भी है तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर यह देखिए यह बहुत सारी फैकल्टीज हैं ठीक है तो यहाँ पर समर्थ बैच लॉन्च हो गया तो पहले ये कोर्स जो था वो फोर का था लेकिन अभी क्या है यहां पर स्टार्ट हो हैं। तो इससे पहले कम थोड़ा सा देना पड़ेगा कब जब आप इस पर एक कूपन अप्लाई करोगे कूपन कोड अप्लाई करोगे फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए मुझे ये वाला कोर्स परचेज करना है और इस कोर्स को परचेज करने के लिए मुझे क्या करना है देखिए इसके पहले मैं फीचर्स बता देती हूँ तो इसमें आपको मिलेगी 500 लाइव क्लासेस मतलब और सीयूटी को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो ठीक है अब आप ये देखिए क्लासेस कौन कौन सी होगी ये देखिए ये पूरा आपका स्टडी प्लान तैयार कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा रीजनिंग है जी है हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिंदी सब ही कुछ मिलेगा आपको जिस भी सब्जेक्ट हैं वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ की तरफ, तरफ? मैम को कैसे परचेज करना है तो यहां पर दिखा देते हैं क्या हो गया भाई इसको ठीक है तो बाय नाउ पर यहां पर क्लिक करेंगे जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे यहां से आपसे मांगेगा एक कूपन कोड मांगेगा ठीक है तो कूपन कोड को अप्लाई करने का फायदा क्या होगा जैसे मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूं यहां पर Y489 Y489 जैसे आप इसको टाइप करेंगे और अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली यहां से आपके इतने पैसे माइनस हो जाएंगे मतलब की मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ये डिस्काउंट कूपन कोड है बच्चे अब आपका ये कोर्स हो गया है फोर का ठीक है फोर नाइन सेवन नाइन का जितने आप ट्यूशन में फीस दोगे या कहीं और भी ऑफलाइन पढ़ोगे तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि आपको मिलता होगा ठीक है तो कहां पर पैसे खर्च करोगे मम्मी पापा की थोड़ी सी सेविंग कीजिए थोड़ा सा खुद पढ़िए थोड़ा सा यहां आइए सारा वो कंटेंट मिलेगा आपको कि इतना ज्यादा इन्वेस्ट ना करके थोड़े भी आपको दोनों चीजों की तैयारी करवाई जा रही है ठीक है तो जल्दी से जल्दी कोर्स को अवेल कीजिए मैम मैंने कोर्स लिया हुआ है कुमार सक्षम है तो उसमें सोशोलॉजी नहीं है तो उसके जगह मैं दूसरे सब्जेक्ट का डोमेन ले सकता हूं बिल्कुल ले सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप वो लीजिए जीटी देना कंपल्सरी है पॉलिटिकल साइंस के लिए जीटी देना हाँ जी बच्चे जीटी तो देना होगा ठीक है तो आप जिस जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना बच्चे एक बार उसकी साइट पर जाकर जाकर देख जा कर देख लीजिएगा कोर्सेज पे लीजिएगा कौन कौन सी चीजें होने वाली है अभी आप पर फोकस करो बस अपने एग्जाम पर बोर्ड एग्जाम पर और सीयूटी पर ठीक है बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एन टी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी ठीक है चलिए तो ये था हमारी तरफ से आज का सेशन आई होप कि यू एंजॉयड एंजॉय सेशन सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा थैंक यू वेरी मच एंड हैव डे बाय बाय